गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव फैल चुका है। पटेल की इस 182 मीटर ऊंची मूर्त ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ ला दिया है। वहीं अब खबरें हैं कि इस मूर्ति की तर्ज पर गेट ऑफ यूनिटी की परिकल्पना की जा रही है, जिसे एकता के प्रतीक के तौर पर जाना जाएगा। इस गेट की खासियत इसमें लगने वाला मटेरियल होगा। आखिर क्या है इस मटेरियल की खासियत, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल गुजरात में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बचे हुए मटेरियल से गेटवे ऑफ यूनिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। एकता का संदेश देने वाला ये गेट राजस्थान के सीकर में बनाया जाएगा। इस गेट को बनाने में करीब 140 टन पत्थरों का इस्तेमाल होगा, जो कि धौलपुर बांसवाड़ा से मंगाए जाएंगे। इस गेट की कुल ऊंचाई तकरीबन 46 फीट तक होगी। इस गेट पर पटेल की 6 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसे गुजरात से ही मंगाया जाएगा। गेट के ऊपर 9 फीट का तिरंगा भी लगाया जाएगा। इसे विशेष लाइटों से सजाया भी जाएगा। राजस्थान के सीकर में बनने वाले इस गेट पर 75.5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। और खास बात यह है, गेट ऑफ यूनिटी के इस प्रस्ताव को राजस्थान राज्य के PWD विभाग से भी स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं गुजरात सरकार ने भी पटेल की मूर्ति से बचे हुए मटेरियल को गेट ऑफ यूनिटी में लगाने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। इस खबर के साथ ही सीकर के लोगों में गेट ऑफ यूनिटी को लेकर जिज्ञासा बढ़ने लगी है।